ओके सो हेलो रिवॉन वेलकम टू आशीष मलिक आई एस अकेडमी यूट्यूब चैनल आई होप गेशन कर रहे हैं स्वागत है आप सभी का मिशन यूपीएससी प्रिलियम 2021 जी हाँ ये एग्जाम जब होने वाला है आपका 10 अक्टूबर को मैं उम्मीद करता हूँ कि जोरों शोरों से इसकी आपने तैयारी शुरू कर रखी होगी दोस्तों उसी के अंदर आपको पांच और एमसीक्यूज में बताने वाला हूँ आज की वीडियो में जिन एम को मैं पिक करने वाला हूं जिनके ऊपर डिस्कशन करेंगे ये एमसीक्यूज मैंने मेरी बुक 1000 प्लस मोस्ट जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस में से उठाए हैं चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर करें ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन वो भी प्रीवियस ईयर के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इनफैक्ट हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस बुक की काफी ज्यादा प्रेस किए दोस्तों तो आप इस बुक को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ स्कैन कोड्स हैं यहाँ से आप इसको स्पेशल प्राइस में पा सकते हैं इसके अलावा आपके आपको इस बुक के अंदर सब्जेक्ट uh, वाइज के अलावा क्विक रिविजन uh, भी दिए जाते हैं दोस्तों और पिछले पांच साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं अन अकेडमी प्लस आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों इसके ऊपर मैं अन अकेडमी प्लस पे भी पढ़ाता हूँ मल्टीपल सब्जेक्ट मल्टीपल एजुकेटर्स पढ़ाते हैं तो 2021 हजार 23 कोई भी आपका टारगेट ईयर हो यूपीएससी के लिए आज यानी कि 30 जून को हमने नए बैचेस स्टार्ट किए हैं तो आप लेट नहीं है आज ही ज्वाइन कीजिए अन अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए ये रेफरल कोड अगर आप यूज करेंगे आशीष मलिक तो आपको टेन परसेंट डिस्काउंट भी मिलेगा ये आप नोट कर लीजिए और चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन से तो पांच क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं दोस्तों सेक्शन नंबर डी पॉलिटी गवर्नेंस गवर्नमेंट स्कीम और इंडेक्सेस पहला सवाल आपके स्क्रीन पे अच्छा क्योंकि ये लाइव है 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 तो तो आपको 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 क्या करना है? अगर आपको इसका आंसर पता है, तो आपको बस कमेंट सेक्शन बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर लिख करके ए बी सी या डी जो भी है डाल देना है पंद्रह सेकेंड का समय लीजिएगा चाहे तो वीडियो पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं पहला सवाल हमारा अबाउट रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया हमारे यहाँ पे जो आपका आरक्षण है सरकारी नौकरियों में उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कौन सा करेक्ट है आपको अगर जो रिजर्वेशन है अपॉइंटमेंट में आपको मिलेगी मिलेगी ठीक है दिस इज व्हाट इज गारंटेड बाय सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 16, 4 एंड ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के हिसाब से आपको रिजर्वेशन का

रिजर्वेशन जो है ना ये टोटली totally डिपेंड करता है इट इट इज इज अ वॉलेंट्री थिंग विच इज डन बाय गवर्नमेंट कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपका फंडामेंटल राइट नहीं है ये सरकार की चॉइस है सरकार पे डिपेंड करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे इट इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट कि आपको रिजर्वेशन दे रही है नहीं दे रही है आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमको रिजर्वेशन चाहिए और उनके ऊपर कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है हालांकि एक चीज मैं आपको बता दू कि 1955 तक एस सी को रिजर्वेशन मिलती थी प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलती थी लेकिन इंदिरा साहनी केस जो एक लैंडमार्क जजमेंट है रिजर्वेशन को लेकर के 1992 का एक केस है इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद ये सब मिलना बंद हो गया अब अगर हम प्रमोशन की बात करें तो सिर्फ कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी मिलती है किसको एससी और एसटी टी कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब को कौन सी कॉन्सिक्वेंशल सीनियोरिटी मिलती है इसका मतलब हमारी सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी गलत हो गई तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि ये जो स्कीम है इस स्कीम का जो इसका जो प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इन एरियाज और विजेसिंग माइग्रेंट वर्कर्स कल्याण योजना में हम लोगों के रोजगार पे लोगों की आजीविका करते हैं अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हैं खास तौर पे उन एरियाज या गांव में जहां पे कोविड की वजह से माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर वापस गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो भी मिशन मोड के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को नोडल no एजेंसी बनाया गया आपके हिसाब से जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसका आंसर ड्रॉप कर दीजिए पंद्रह सेकंड ले लो क्वेश्चन का नंबर डाल के वन थ्री सेवन ए बी सी या डी जो आपको लगता है आंसर दे सकते हैं करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ वन ओनली होगा पहली बात सौ दिन नहीं है एक दिन है इस बात पर ध्यान दीजिए दूसरा मिनिस्ट्री यहाँ पे गलत लिखी गई मैंने कहा ना मिनिस्ट्रीज में तो बड़ा ध्यान से आपको अटेम्प्ट करना है दोस्तों अगर मैं बात करूं गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तो 125 दिन लेकिन कौन और अभी ये पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं शुरुआत में तो छह स्टेट्स बिहार यूपी एमपी राजस्थान झारखंड और उड़ीसा में शुरुआत की गई थी मिशन मोड है और इसमें ये अभियान जो है वैसे नोडल एजेंसी की मैं बात करूं जो जो कोर्डिनेट करेगा वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट वो है नोडल एजेंसी जिसके ऊपर सारी रिस्पांसिबिलिटी है जो सेंट्रल पॉइंट रहेगा हालांकि कोऑर्डिनेशन 12 मिनिस्ट्रीज का रहेगा उनकी डिटेल आप इससे पढ़ सकते हैं और दोस्तों जिस बुक में से मैं कवर करवा रहा हूं इसका फ्री सैंपल भी अवेलेबल है डाउनलोड होने के लिए अगर आपको फ्री सैंपल चाहिए तो आप जो है डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से आपको इसका आंसर आपको जो है फ्री सैंपल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक गूगल ड्राइव का डाल रखा है 138 क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन 309 इंडियन पिनल कोड का किस चीज का है मर्डर रेप सुसाइड या सेडिशन बहुत ज्यादा न्यूज में बहुत ज्यादा चर्चाओं में है तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको बताना है पंद्रह सेकेंड लगेंगे नहीं <coughs> यहाँ पे राइट right आंसर होगा दोस्तों सी सीसाइड क्यों है न्यूज में क्योंकि देखिए अभी एज ऑफ नाउ सेक्शन 309 के हिसाब से सुसाइड करना सुसाइड अटेम्प्ट करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है ठीक है इट इज अ क्राइम तो अभी बात ये चल रही है कि हमको सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए हम ये नहीं कहें कि सुसाइड करो मगर सिचुएशन ये कि भाई जिस इंसान को मेंटल स्ट्रेस है उसको आप काउंसलिंग करो ना कि उसको सजा दो कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया तो इसको डीक्रिमिनलाइज कर किया करने की जो पेशकश है बातचीत चल रही है इस वजह से ये चर्चाओं में है आपको मालूम होना चाहिए कि सेक्शन 1309 इंडियन पिनल कोड का इज अबाउट सुसाइड और ये सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद और भी ज्यादा न्यूज में आया था क्वेश्चन नंबर 139 सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्न के बारे में कौन सी चीजें सही है आपको बताना है या आप ये आपको ये बताना है इसमें कि बताइए से कौन सा एक्शन हो सकता है अगर सेपरेशन ऑफ पावर वायलेट हो जाए तो क्या होगा आपके पास तीन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी देन सेकंड इज ऑप्शनिटी सेशन डीजल कार्स बाय द फेडरल कोर्ट देन थर्ड इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव बॉडी स्क्रूटिनाइजिंग द बजट प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन सा सही आंसर होगा जो भी आपको लगे आप जल्दी से आंसर बताइए देखिए फर्स्ट और सेकेंड सही है इस केस में आंसर बी होगा वन एंड टू ओनली थर्ड ऑप्शन आपका गलत है दोस्तों डिटेल मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल में डाल दिया है देखिए इतना बड़ा डिटेल तो नहीं पढ़ा पाऊंगा थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है पूरा डिटेल आपको यहां चाहिए अगर आप चाहें तो इसके फ्री सैंपल को डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और चाहे तो यहीं पे स्क्रीनशॉट लेकर के भी इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं चलिए आखिरी सवाल पूछ लेता हूं जल्दी सी बोर्ड पीस अकॉर्ड काफी चर्चाओं में तो बताइए बोडो पीस अकॉर्ड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है नंबर वन इस अकॉर्ड के हिसाब से बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो है इट विल बी प्रोवाइडेड विद मोर एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव पावर बाय अमेंडिंग सिक्स स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का सिक्स स्केड्यूल है उसको अमेंड करके बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन को और भी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव पावर दी जाएंगी ये कहता है बोर्डो पीस अकॉर्ड इस अकॉर्ड के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ आसाम विल नोटिफाई बोडो लैंग्वेज इन देवनागरी परमिशन फ्रॉम बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल तो कौन सा सही होगा काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों जल्दी से आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में आज की वीडियो का आखिरी सवाल है बोडो पीस अकॉर्ड काफी न्यूज में रही है काफी चर्चाओं में है आसाम के अंदर बोर्डोलैंड एरिया है अभी रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि चार डिस्ट्रिक्ट जिनको ऑटोनोमस डिक्लेयर किया गया है इस सॉरी दस हाँ चार आपके रीजन है जो इसके अंदर किए गए हैं ऑटोनोमस रीजन उनको बनाया गया है ज्यादा पावर उनको दी गई है और ये भी आपको पता होना चाहिए इंडिया, इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फिफ्थ स्केड्यूल है और जो सिक्स स्केड्यूल है दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है ड्यूल के अंदर आपके चार स्टेट ए टी एम एम आसाम त्रिपुरा मेघालय ये चार स्टेट्स आपके हैं जिनको जिनके स्केड्यूल्ड uh, एरियाज को एडमिनिस्टर किया जाता है बाकी स्केड्यूल्ड एरियाज इंडिया में फिफ्थ स्केड्यूल में आते हैं तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड सही आंसर आपका ए होगा थर्ड आंसर आपका गलत है एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ क्या आप बता सकते हैं दोस्तों कि हमारे इंडिया में किसी भी एरिया को स्केड्यूल्ड एरिया अगर बनाना हो तो उसकी परमिशन कौन देता है या कौन है जो स्केड एरिया डिसाइड करता है अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसका भी आंसर बता दीजिए और बाकी अन अकेडमी प्लस को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों जहां पे आ, मैं एवरीडे हर रोज सुबह ग्यारह बजे मेरा लेक्चर होता है आप मेरे न्यूज एनालिसिस भी मुझसे पढ़ सकते हैं उसके अलावा जोग्राफी और हिस्ट्री के टॉपिक्स भी मैं आपको कवर कराऊंगा जल्दी सी

डिस्काउंट के बाद ही प्राइस पे करना ये रेफर कोड जरूर यूज कीजिए थैंक यू सो मच गॉड बेस यू टेक केयर आई होप यू हैव एंजॉयड वीडियो